आई नो कि बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होगा ये चीज़, बट देन इट इज़ 11 o'clock एट नाइट और हम लोग जा रहे हैं ओल्ड टाउन स्क्वायर जस्ट टू एक्सपीरियंस क्रिसमस ईव. एंड अभी मैं हूँ अपने अपार्टमेंट के सामने एंड इट्स इन द फर्स्ट फ्लोर, जस्ट द वन जिसमें लाइट जल रही है, और बस खाली सड़क और लव बर्ड्स. तो बस अभी देखते हैं कि कैसा जाता है. एंड वेदर इट स्टार्ट्स स्नोइंग अगेन, क्योंकि एक घंटे पहले हम लोग जब वहाँ पे थे ओल्ड टाउन स्क्वायर में, तब स्नोफॉल हो रही थी. आई एम नॉट श्योर गाइज, बट देन इट इज स्नोइंग. वाओ, आई शुड शो दिस, आई डोंट नो इफ आई कैन. दे वाओ, इट्स स्नोइंग. बट अभी तो फिलहाल ठंड है, पर स्नोफॉल तो मुझे नज़र नहीं आ रही, तो लेट्स सी. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज प्रचेता एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल पाचाली. लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया वियना का क्रिसमस सीन्स, और उसके बाद हम लोग रवाना हुए प्राग के लिए. बाय द टाइम हम लोग प्राग पहुंचे, इट वॉज ऑलरेडी 6 और क्रिसमस ईव होने के कारण सब कुछ बंद था. बंद हो चुकी है आज, सब कुछ बंद है, बट फिर भी हम लोग आए आज. और वन थिंग, इट्स वेरी प्रिटी यहाँ पे, मतलब प्राग का क्रिसमस मार्केट सही में बहुत प्रिटी है. प्राग में बहुत सारे क्रिसमस मार्केट्स पॉपुलर हैं, लाइक द ओल्ड टाउन स्क्वायर, वेंकेस्ला स्क्वायर, रिपब्लिक स्क्वायर, पीस स्क्वायर एंड पोलिशुविट्से एग्जीबिशन ग्राउंड्स. प्राग का क्रिसमस सेलिब्रेशंस इज रेटेड वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप, एंड क्रिसमस मार्केट्स यहाँ पे ओपन हो जाती हैं ऑन 30th of November एंड दिस गोज ऑन टिल द 5th of January. तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको क्रिसमस के टाइम या न्यू ईयर के टाइम ही आपको यूरोप विजिट करना है या फिर प्राग विजिट करना है. अगर आपको क्रिसमस मार्केट्स देखना है, यू कैन इवन विजिट दीज प्लेसेस बिफोर क्रिसमस. लाइक आई मेंशनड एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, ये मेरा सेकेंड राउंड है विजिटिंग द क्रिसमस मार्केट. फर्स्ट राउंड के बाद हम लोगों ने रेस्ट किया, डिनर किया, और अभी हम लोग फिर से निकल गए. ये बहुत रेयर चीज़ है प्राग में जो इतनी खाली मिलती है, ये तो हमेशा इतना भीड़ रहता है यहाँ पे. तो दिस इज़ अ वेरी रेयर थिंग, एक्चुअली होता नहीं है ऐसे. और आई थिंक ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसे, मतलब आई हैव नेवर रियली गॉन आउट इन प्राग अराउंड लाइक 11 PM एट नाइट. बट देन हाँ, क्रिसमस ईव है तो बनता है, बट अदरवाइज नेवर नेवर एवर. सब मेरे मैडनेस में शामिल हो रहे हैं. हाउ डज इट फील एवरीवन? नाइट 11 o'clock at night and all of us are busy loitering about in the streets of Prague. अपार्टमेंट से निकलने के बाद काफ़ी सड़कें मिली जो सुनसान थी, पर ओल्ड टाउन पहुंचने के बाद लग नहीं रहा था कि 12 बजने वाले थे. फाइनली वी आर हियर एट ओल्ड टाउन स्क्वायर एंड देयर बिसाइड मी दैट इज
the Lady of our tin church, and that's the main Christmas market. चलिए अभी दिखाते हैं रात के 11 बजे का हालचाल. একটা মজার জিনিস আপনাদের দেখাচ্ছি, মাথায় বাড়ি দিয়ে কি করে চিপস বিক্রি করতে হয়. अभी हम लोग जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर की तरफ टू विटनेस मिडनाइट एंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस. दैट्स 5 मिनट्स टू क्रिसमस. दैट्स द काइंड ऑफ क्राउड बिहाइंड. एवरीवन इज हियर जस्ट टू विटनेस दैट क्लॉक स्ट्राइक 12 एंड इट्स गोना बी क्रिसमस. Россия это большая территория. Золотой Орды, а значит, она движет по Западу. So that was Czech style Christmas, and it was really nice. People were singing Happy Birthday. Merry Christmas, सबको. हम लोग काफी देर से हैं यहाँ पे. In fact, अभी रात के 12:30 बज चुके हैं, पर फिर भी जाने का मन नहीं कर रहा. यहाँ पे अभी भी सब लोग यहाँ पे अभी भी हैं, सब फोटो ले रहे हैं, सब मस्ती मार रहे हैं. पर अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा. थोड़ा सा सोना भी है. कल मॉर्निंग निकलना भी पड़ेगा. इसीलिए चलिए. Good night, Merry Christmas. ये था क्रिसमस ईव एंड क्रिसमस सेलिब्रेशंस फ्रॉम प्राग. मुझे बहुत ही पसंद आया और मैंने बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया. ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. मैं पहले भी प्राग आई हूँ, बट देन दिस द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग विंटर्स एंड फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग क्रिसमस ऑब्वियसली. एंड आई मस्ट से कि ये अलग ही फीलिंग था. एंड आई गॉट टू सी अ होल डिफरेंट साइड ऑफ प्राग. आई नेवर न्यू प्राग कुड बी सो रोमांटिक. And I think it's an extremely good time to visit Prague during this particular time. And agar aap aana chahte ho Prague, I think you should definitely plan it around Christmas and definitely get your partner, because it is like love in the air and it's very warm. Matlab not the weather, but then the feeling. So yes, I think I give a thumbs up to Prague for Christmas. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कमेंट शेयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन. ए जी दिख दे एटा एटा कोंडा एटा एटा व्हिच वन ये रखा. ओके सो वी फाउंड द रोड. ओ ना दे আমাকে দে সবাই বহুত কাঁচা নেভিগেশনে. দেখো এই হচ্ছে অবস্থা. একবার বলে এদিকে, একবার বলে এদিকে. সেটা আমার মনে হচ্ছে ভুল হবে. যদি ভুল হয় না, ভুল হবে না, আমি জানি না. ভুল না.